तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही अच्छी सिचुएशंस हैं, कंपटीशन में बहुत आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख करके लगेगा कि मुझे आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आते, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। और आप लोगों को आप पाओगे कि ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मज़ेदार हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो करते हैं शुरू। तो पहला हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे ब्लॉक्स वाले। टेबल के ऊपर ब्लॉक लगाया रखा हुआ है और उस पर फोर्स लगाया जाएगा और फोर्स की वजह से ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ब्लॉक कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये क्वेश्चन इस बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक रखा है, ऐसे ब्लॉक रखा है, इसका मास है m, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है f, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, आप लोगों को बताना है, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी एक्सेलरेशन। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। बता पाओगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पता तो है तुम्हें, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो फॉर्मूला यूज करना है, जल्दी बताओ इसको, जल्दी बताओ। नहीं बता पा रहे क्या? देखो अब ध्यान से सुनो, हाँ एफ इज इक्वल एम ए वाला फॉर्मूला यूज किया तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा बता दो, फोर्स बाय मास, है ना, यही तो फॉर्मूला, यही तो आंसर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। अब सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे FBD, और उसमें हम देखेंगे जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लगेंगे हम उनको ड्रॉ करेंगे। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये है हमारी बॉडी, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये वाला फोर्स है जो हमने लगाया है, ये तो हमने लगाया है, ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का, इसे कहेंगे एक्शन, ये है mg, है ना, और ये वाला कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये है रिएक्शन, ठीक है। हमने सारे फोर्सेस बना लिए, इसको कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है, इसको कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा अब देखो, क्या हमारी बॉडी ना आगे चल रही है, बस टेबल पे आगे चल रही है, इतना दिया हुआ है कि टेबल पे आगे जा रही है, ऊपर नहीं जाती, नीचे नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही और नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर नहीं जा रही और नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये फोर्स है टेबल के ऊपर, ये फोर्स है ब्लॉक के ऊपर, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो केवल ये वाला फोर्स हमारी बॉडी को आगे चलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन विल बी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइड बाई टोटल मास, ये होगा हमारा आंसर। सबको समझ में आया, सभी को क्लियर है, हैंड रेज करो। फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात क्लियर हुई, फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात समझ में आई, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, जल्दी बताओ ये चीज क्लियर हुई, फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात जल्दी बता दिया करो, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े, मुझे एडिट करना पड़ता बहुत ज्यादा बाद में। सभी को क्लियर हुआ ये, हैंड रेज करके बताओ मुझे, यस एवरीबॉडी,
रेज योर हैंड एंड टेल मी यस अंशुल, अंशुल क्लियर नहीं हुआ क्या? अंशुल, देवांश, अंशुल को डाउट है क्या? उज्जवल, उज्जवल क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? कोशिश करो समझने की, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, तुम नए हो बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे कैच करो, हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कौन सा है? टोटल फोर्स इज ऑनली एफ। हाँ मकुल भेज दे बेटा, लिख करके भेज दो, मैंने म्यूट किया हुआ तुम लोगों को, लिख करके भेज दो। तो टोटल फोर्स है एफ, टोटल फोर्स इज एफ एंड टोटल मास, दैट इज द आंसर। समझ गए? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन और करेंगे। अगर टेबल है, टेबल पे ब्लॉक रखा है, एक फोर्स लगता है F1, एक फोर्स लगता है F2, तो बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? फटाफट करके बता दो मुझे, फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन हैं ये। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, What will be the acceleration? जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा F1 is greater than F2, F1 बड़ा है F2 से। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद देखो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, नेट फोर्स निकालो, F1 minus F2 by m, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, नीचे है mg, ऊपर है रिएक्शन। अब देखो क्या हमारी बॉडी ऊपर जा रही है? नहीं जा रही, बिल्कुल ठीक अंशुल, वेरी नाइस। क्या हमारी बॉडी ऊपर जा रही है? नो। क्या हमारी बॉडी नीचे जा रही है? नो। कहाँ जाएगी? क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, आगे जाएगी। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना होगा? सो नेट फोर्स विल बी F1 माइनस F2 बाई m, दैट इज द एक्सेलरेशन। समझ में आया? सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लेट मी नो, रेज योर, इज इट क्लियर? सब समझ में आया बहुत अच्छे से? सक्षम, गॉट इट? अज्वल, देवांश, सभी समझ में आया? अंशुल क्लियर बेटा? अंशुल तो आ गया था आंसर। रक्षिता समझ में आया बेटा? रक्षिता क्लियर है? बीच में कोई मैसेज मत देखा करो, फोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा करो, ठीक है? तुम लोग मैसेज देखते रहते हो और तुम मेन चीज भूल छोड़ देते हो। देवांश क्लियर है? सक्षम ओके। उज्ज्वल बेटा क्लियर है? कुछ कुछ आ रहा है समझ में? कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, है ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। रक्षिता क्लियर नहीं है क्या? वेर आर यू रक्षिता? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा रेडी हो जाओ, कमर कस लो, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाओ, कमर कस लो। अब की बार ये ब्लॉक है और फोर्स लग रहा है थीटा डिग्री के एंगल पर, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफ बी डी बनाओ और फिर बाद में काम करो। और याद रखो एक चीज याद दिलाऊं, F इंक्लाइन है, F टेढ़ा है, और टेढ़े का क्या करते हैं पता है ना तुम लोगों को? वो इलाज करो इसका, जल्दी करो। एंड टेल मी, वेरी गुड शाबाश, रेजोल्यूशन सक्षम, वेरी गुड, रेजोल्यूशन करके करेंगे, फटाफट रिजॉल्व करके करके बताओ मुझे। पहले रिजॉल्व करके फिगर बना लो फिर डिसाइड करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, जल्दी करो। या आंसर तो मुझे स्ट्रेट अवे आंसर बता सकते हो? रिजॉल्व कर लिया? करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं पहले, मुश्किल हो रही है क्या? चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले, बनाऊं? दिस इज अवर बॉडी,
दिस इज इट्स मास। एक फोर्स तो नीचे तरफ लगेगा हमेशा, ग्रेविटी का mg हमेशा लगेगा, अर्थ के ऊपर है तो हमेशा लगेगा। थोड़ी सी गड़बड़ करी बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आंसर ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेरी नाइस, वेरी गुड। mg नीचे, ऊपर कौन सा? रिएक्शन। ऊपर कौन है? रिएक्शन। पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। F को दो पार्ट में ब्रेक करा, ये है F cos थीटा, ये है F sin थीटा। हमारी बॉडी केवल आगे जा रही है, हमारी बॉडी केवल आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब देखो ये फोर्स है F cos थीटा, ये फोर्स है F sin थीटा, ये फोर्स आगे लेके जा रहा है, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, ना हमारी बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सिर्फ आगे जा रही है। तो आगे कौन से फोर्स की वजह से जा रही है? इसकी वजह से जा रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, हमारी बॉडी केवल आगे जा रही है, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? अब तो बता दो जल्दी, फ्री डायग्राम बन गया, हमारी बॉडी ऊपर नहीं जा रही नीचे नहीं जा रही, इन दोनों फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड शबाश अंशल, वेरी नाइस। एक बच्चे का और आ गया, दो बच्चों ने कर दिया, फटाफट करो जल्दी, वेरी नाइस शबाश। एक बच्चे ने और बता दिया, वेरी नाइस। क्या आंसर होगा? एक्सेलरेशन विल बी आगे ले जाने वाला फोर्स। नेट फोर्स कौन है? नेट फोर्स कितना है हमारी बॉडी पे? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है? ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा। सो F cos थीटा बाई मास, दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? देवान, सक्षम, उज्ज्वल, रक्षिता, अंशुल, क्लियर है सभी को? मुकुल, मुकुल तो आ ही गया, एक बच्चे का, अंशुल का भी आ गया था, यस गुड, अंशुल का भी आ गया था, सक्षम का भी आ गया, देवांश बड़ा क्लियर है क्या? देवांश ओके, उज्ज्वल कुछ कुछ आ रहा है बेटा, रिस्पॉन्स दो, कुछ आ रहा है, कुछ कुछ क्लियर है, हैंड रेज करके बताओ, यस ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, रेडी हो जाओ, अब की बार तुम्हें ही आंसर देना है। अब की बार दिस इज द ब्लॉक एंड फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। अब की बार फोर्स नीचे लग रहा है ऐसे, दिस इज द एंगल थीटा, दिस द मास m। जल्दी करो शाबाश, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, कम ऑन जल्दी करो। अब की बार भी टेढ़ा फोर्स है, टेढ़ा फोर्स, टेढ़े फोर्स को क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। जल्दी रिजॉल्व करो, एरो देखो, रिजॉल्व करके देखो। रिजॉल्व का पता है ना कैसे करते हैं? देखो भाई उज्ज्वल, देख भाई रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो टेढ़ा होता है ना टेढ़ा उसको सीधा करते हैं। अगर ये टेढ़ा है, ये एंगल थीटा है, तो इसे दो पार्ट में बांटेंगे, कैसे कैसे? एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, वेरी गुड शाबाश, आंसर आ बच्चों का। हमारा ये जो हाइपोटेनस है, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा एफ कॉस थीटा, ये कहलाएगा एफ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा F cos थीटा और ये वाला पार्ट होगा F sin थीटा। तो ये भी तो F cos थीटा हुआ, F cos थीटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, बना रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे बनाते हुए, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। सर साइन आएगा शायद, हाँ ये साइन थीटा, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिखा, दिस एफ साइन थीटा एंड दिस इज एफ कॉस थीटा, शाबाश, मैंने गलत लिखा था, दिस एफ साइन थीटा, यस यू आर राइट। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा?
ये वाला फोर्स कौन सा, ये वाला फोर्स कौन सा, एम जी। ये वाला फोर्स कौन सा, ये वाला फोर्स कौन सा, देखो ये वाला फोर्स है रिएक्शन। नीचे कौन लग रहा है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, मैं गलत तो नहीं किया ये, एक बार दोबारा चेक करते हैं इसको, दोबारा चेक करेंगे एक बार। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ साइन थीटा। एक बार इस फिगर को दोबारा चेक करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। ओके देखो ये है एंगल थीटा, ये है एफ, हाँ ये एफ कॉस थीटा आएगा, समय सही था। ठीक है ठीक है, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। सो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा एंड दिस विल बी एफ कॉस थीटा। ठीक है, हाँ मैं सही था, पहले थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने एंगल नहीं देखा। एंगल ये वाला, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है, जिसके साथ एंगल होता है वो हमेशा कॉस होता है और दूसरे वाला साइन होता है। तो एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। हाँ हमारी बॉडी अंशुल बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉडी ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही है, हमारी बॉडी आगे जा रही है। तो आगे जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन विल बी टोटल फोर्स बाय टोटल मास। दिस इज द आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आया? हाँ एफ कॉस थीटा बाय एम, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी, शो मी योर हैंड, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अंशुल, रक्षिता, रक्षिता को जवाब नहीं दे रही बेटा, कहाँ है? सक्षम, ओके देवांश, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके गुड नाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, अब की बार हम लोग लेंगे इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन, हम कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन। अब की बार हम बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, रैंप होता है, रैंप ऐसा, ये होता है इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एंगल थीटा। अब आप लोगों को पता है यहां पर कोई ब्लॉक रखोगे तो ब्लॉक फिसल करके नीचे आ जाएगा, है ना? इसमें हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। इसको ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई सिचुएशन है, तो इसको मैं करता हूं। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस गैस करते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ग्रेविटी का, हमारी बॉडी का मास है, मैं ग्रेविटी का फोर्स नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा लगेगा। अगर तुम अर्थ के ऊपर हो तो ये फोर्स हमेशा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम जी नीचे लग रहा है। अच्छा, और हमारे सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन होगा ऐसे, रिएक्शन होगा ऐसे। हमारे ब्लॉक को नीचे फिसलने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे ब्लॉक को नीचे फिसलने में कौन हेल्प करता है? ग्रेविटी कर रही है ना, ग्रेविटी कर रही है, लेकिन ग्रेविटी का कुछ पार्ट ही उसको हेल्प कर रहा है फिसलने में, ग्रेविटी का कुछ पार्ट ही उसको फिसलने में हेल्प कर रहा है। सारी ग्रेविटी उसको फिसलने में हेल्प नहीं कर रही, कुछ पार्ट यानी कुछ कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, एम जी, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट है ना, एम जी का ये कंपोनेंट। अब देखो, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार तिरछे को, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हाँ रेजोल्यूशन होगा इसमें, हम क्या कर रहे हैं, अब की बार तिरछे को हम लोग छेड़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो सीधे वाले को टेढ़ा कर रहे हैं। अब की बार तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन रिजॉल्व कर सकते हो, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल सीधा है ना, वाई डायरेक्शन में, लेकिन हम इसको तिरछा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अब की बार हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस घुमा दिया अपने फायदे के लिए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अगर हम अपनी वाई एक्सिस को ये मानते हैं, अपनी एक्स एक्सिस को ये वाली मानते हैं, तो
टेढ़ा हो गया ना, तो इसी को सीधा करना पड़ेगा, समझ गए। तो अब की बार mg टेढ़ा साबित हो रहा है, तो mg को रिजॉल्व करेंगे, mg का ये पार्ट कहलाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, और ये वाला पार्ट कहलाएगा mg sin 90 माइनस थीटा या mg cos थीटा, और ये बनेगा mg sin थीटा। क्या सभी को क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ये क्या सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस, क्या सबको क्लियर? बहुत जरूरी है समझना, इसको नहीं आया तो पूछ सकते हो, ये इजी नहीं है, दिस नॉट इजी। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। शाबाश, वेरी गुड। और किसको क्लियर नहीं है? फिर से बताऊं क्या? देखो फिर से। अब की बार हमने इसको मान लिया है एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर दिस इज द वाई एक्सिस। हमारा रिएक्शन इधर है, हमारी एक्स एक्सिस इधर है, और हमारा एम जी इधर है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो हमने एम जी को ब्रेक किया, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला कंपोनेंट इधर, एम जी साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया एम जी कॉस थीटा, और ये बन गया एम जी साइन थीटा, समझ। अब की बार हमने सीधे को ही ब्रेक किया है, क्योंकि हमारे एक्सिस हमने बदल दी, हमने एक्सिस को ओरिएंट कर दिया, हमने एक्सिस बदल दी है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्या सबको समझ में आया? यस, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर हम आगे नहीं चल पाएंगे, और इस सिचुएशन को हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, इसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। शाबाश दिवांश, क्लियर है दिवांश? इज इट क्लियर? उज्जवल कुछ कुछ है बेटा, उज्जवल? अब देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे समझ सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक कॉपी है, ऐसे कॉपी है, मैंने पेन को रखा, ठीक है, अब ये नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इंक्लाइन करूंगा, ये नीचे गिरना शुरू कर देता है ना, जैसे जैसे मैं इंक्लाइन कर दिया, नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ग्रेविटी पूरी की पूरी नीचे खींचेगी इसे, ग्रेविटी का फोर्स पूरा कंप्लीटली नीचे लगेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखता हूँ, ऐसे करके रखता हूँ, तो mg का कुछ हिस्सा ही लगता है, mg का कुछ कंपोनेंट ही इसको नीचे फिसलाता है, और वो कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा इसको नीचे फिसलने में हेल्प करता है, समझ गए? क्लियर? ठीक है, और अगर थीटा 90 हो जाएगा, अगर ये प्लेन ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे कंप्लीटली, तो पूरा mg नीचे लगेगा, और जैसे जैसे हम तिरछा करते जाएंगे, जब हम इसको ऐसे करते बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, तो थीटा हो जाएगा 0, तो mg इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, mg पढ़ाई है, कहीं नहीं मूव करेगा। लेकिन जब ऐसे कर देंगे तो mg नीचे खींचेगा, ऐसे कर देंगे mg का कोई पार्ट इसको हेल्प नहीं कर रहा मूव करने में, समझ गए? तो हमारा ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ? तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर सिंपल सा डायग्राम बनाएं, तो ये हुआ हमारा ब्लॉक, ये हुआ mg sin थीटा, ये हुआ mg cos थीटा, ये हुआ रिएक्शन। हमारी बॉडी नीचे फिसलेगी, एक्सेलरेशन क्या होगी? अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? हमारी बॉडी नीचे नहीं जा रही, मतलब इधर नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही, हमारी बॉडी तो नीचे आ रही है। अब बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? सब बताओ, शाबाश, यस, mg sin, वेरी गुड, mg sin थीटा बाई m, दैट इज द आंसर। सो m से m कट गया, दैट इज g sin थीटा, एक्सेलरेशन विल बी g sin थीटा, वेरी गुड, शाबाश, सबने बता दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है आज,
इस चीज़ को समझ में आने के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। इसलिए क्लियर होना जरूरी है, अगर जरा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं इसको। एक बार फिर से ड्रॉ कि ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये है हमारा ब्लॉक, इस पे जो फोर्स लगेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है। एम जी, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, दिस इज रिएक्शन और एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है। इस फिगर को आपको याद रखना है, समझना है अच्छे से, याद तो फिर अपने आप हो जाएगा अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब की बार हम बात करेंगे दो ब्लॉक्स, टू ब्लॉक्स, देयर विल बी टू ब्लॉक्स। ध्यान से समझना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत, आप हिम्मत हार जाओगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, करना है, बहुत इजी है, समझ समझ के करना है। देखो टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक बड़ा ब्लॉक एक छोटा ब्लॉक, ए और बी, इसका मास है एम वन, इसका मास है एम टू, यहाँ पर लगाया फोर्स एफ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है, और फोर्स ए के ऊपर बी की वजह से, फोर्स बी के ऊपर ए की वजह से, ये हमें निकालने हैं, ये दोनों भी हमें निकालने हैं, ठीक है। अभी कुछ मत करो, सुन लो ध्यान से, सिचुएशन समझ में आई सबको, सिचुएशन समझ में आई। मान लो दो बच्चे हैं, ऐसे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर के लोग पास पास खड़े हैं, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। एक बच्चा इधर धक्का मार देता है इनको, एक बच्चे ने धक्का मारा, ठीक है। तो इस बच्चे को इसका फोर्स फील होगा ना, इस बच्चे को फील होगा कि यहां पर किसी ने इसको इस तरफ पुश किया है ना, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर इसका फोर्स भी लगेगा और इसका फोर्स भी लगेगा, हाँ चेन रिएक्शन की तरह, इसका फोर्स भी लगेगा और इसका फोर्स भी लगेगा, है कि नहीं। मान लो तुम दीवार के पास खड़े हो, कोई मुझे यहाँ से धक्का मारेगा तो दीवार भी तो मुझे पुश करेगी, है ना, कोई मुझे यहाँ से पुश करेगा तो दीवार भी मुझे पुश करेगी। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में भी कुछ ना कुछ है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ है, वो फोर्स ए के ऊपर बी की वजह से और बी के ऊपर ए की वजह से, वो फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और अब देखो सारा फोर्स एम टू पे नहीं लगेगा, कुछ पार्ट लगेगा, सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो हमें ये काम करना है, करें शुरू, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्या है क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनो, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफ बी डी फॉर एम वन, पहले बनाएंगे एम वन के लिए बनाते हैं, और ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इनकी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, दिस इज एम वन। एम वन पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं बताओ, एक फोर्स ये लगेगा फोर्स ऑन बी, सॉरी ए ड्यू टू बी, है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लगेगा ना। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, एक्सेलरेशन इधर हो रही है, एम जी डाउन, वेरी गुड, रिएक्शन अप, वेरी नाइस। अब इसके लिए एफ बी डी फॉर एम टू, अब एम टू के लिए बनाते हैं, एम टू के लिए क्या है, एम टू के लिए एम जी नीचे, एम टू जी नीचे, एम वन जी, इसका नाम है एम वन जी, रिएक्शन ऊपर, ये वाला फोर्स
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या कोई और भी फोर्स है क्या? क्या सारे फोर्स हो गए और हमारी बॉडी एक्सेलरेशन कहाँ कर रही है? आगे। क्या अब एक्सेलरेशन, अब इसके लिए लिख सकते हो इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख सकते हो, जल्दी बताओ। ये काम तो हम कर चुके हैं ना, राइट डाउन द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, जल्दी करके बताओ, राइट डाउन द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, जल्दी करो। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ऊपर और नीचे। हमारी बॉडी ऊपर नहीं जा रही, हमारी बॉडी नीचे नहीं जा रही, हमारी बॉडी आगे जा रही है। तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जल्दी बताओ, F1 माइनस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, F माइनस FAB बाई M। और इसके लिए बनाओ, इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखो फटाफट, क्या लिखोगे जल्दी बता दो। शाबाश, वेरी नाइस, हमारी बॉडी ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही, वेरी नाइस। सो आंसर इज FBA बाई M2, दिस इज M1। समझ गए? क्लियर है? ओके ओके। लेकिन FAB और FBA एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, FAB एंड FBA आर एन एक्शन रिएक्शन पेयर। सो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज F minus FAB by M1। इसके लिए लिखेंगे एक्सेलरेशन इज वॉट? FBA by M2।